सो फाइनली गाइस डोनाल्डन आ चुका है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी इसका बेल्ट क्या होना चाहिए। आई थिंक इसका बेल्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिट वाला होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी क्रिट करने वाला पोकेमोन है। ओके सो इसका बेल्ट मैंने रखा है स्कोप लेंस मसल बैंड एंड मैंने रखा है बड़ी बैरियर। इससे पहले मैंने फोकस बैंड रखा था बट चलो मैंने चेंज कर दिया इसको। एंड गाइस गेस व्हाट, इस गेम में हम 110 के डैमेज करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद मैंने ये देखा है। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट दिस पोकेमॉन इज नॉट ब्रोकन बट आई फील ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है पोकेमॉन है। आई होप ये लोग नर्फ ना करें। हम लोग खेलने वाले हैं इसमें ड्रैगन पल्स एंड दूसरा कौन सा एबिलिटी है ड्रैगन टेल। या एंड इस गेम में एनिमी में डोनाल्डन रहता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कि चलो उसको मारना है। बट हम दोनों यूजुअली काफ़ी ज़्यादा मिलते नहीं तो मैं सोचता हूँ कि चलो मैं जंगल चला जाता हूँ। बट सिंड्रेस देख रहे हो, सिंड्रेस पहले ही आ चुका है तो आई थॉट कि चलो मैं टॉप लेन चला जाता। बट इसको कुछ अलग ही नशा होता है, ये भी टॉप लेन का फॉर्म लेने लग जाता है। बट फॉर्चुनेटली ये बंदा आता नहीं है एंड में तो इधर के हमें सारे फॉर्म अब मिलने वाले हैं। लेजर फोकस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डैमेज इंक्रीज कर देता है। आई थिंक ना ये एक मिथिकल टाइप अटैकर है जो कि लाइक बाकी अटैकर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है ये अटैकर क्योंकि इसका डैमेज ही कितना ज़्यादा है गाइस तुम देख सकते हो। इसका क्लियरिंग एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और टॉप लोन की तरफ आया होता है एक छोटा सा सिंड्रेस जो कि अभी तक सिंड्रेस बना भी नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो इसका दूसरा फार्म भी ले लेता हूँ जब तक। बट अपना सिंड्रेस ने डिसाइड करता है कि चलो इस पर अटैक लेता तो मैं भी साइड से अटैक लेने लग जाता हूँ एंड बैम ये खत्म। सो यहाँ पर सिंड्रेस मरने के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट डोमिनेट हो जाता है। हम दोनों यहाँ पर गोल कर देते हैं बट यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट रहता है इसका बॉटम लेन। काफ़ी ज़्यादा एनिमी डोमिनेट कर चुकी होती है उस लेन पे एंड इस तरफ हम लोग काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर चुके होते हैं। तो मेरा ड्रैगन पल्स आ चुका है एंड यहाँ पर देखो गाइस यहाँ एप्सोल भी आ चुका है। नाउ लेट्स ट्राई टू किल हिम गाइस। देखो ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ एक इसका हाइपर अटैक से कितना ज़्यादा डैमेज हो गया। तो हम इसका बीज इजिली चुरा लेते हैं, ये एक भी अटैक नहीं कर पाती है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रेंज अटैक है। इसका सामने आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एब्सोल यहाँ पर इनिशिएट करने का ट्राई करता है बट यहाँ पर ये घुसते ही गायब हो जाता है। देखो इंस्टेंट ख़त्म एंड मैं यहाँ पर नहीं पता मैं यहाँ पर क्या ट्राई करता हूँ लेकिन जो भी करता हूँ बहुत गलत करता हूँ कि मेरा यहाँ पर वेस्ट हो चुका है मेरा इजेक्ट पर। ओ भाई साहब बॉटम लेन देखो क्या गाइस क्या डोमिनेट हो रहा है। मुझे लगता है अब मुझे ये क्लियर करके जल्दी से बॉटम लेन पे जाना होगा क्योंकि बॉटम लेन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ट्रेडनो में हम लोग बहुत जल्दी लूज कर देंगे। लेकिन और एक बार मुझे एब्सोल दिखता है यहाँ पर और ये सोचता है कि ये गोल कर सकता है बट इट्स नॉट ट्रू गाइस। मैं इसका लेवल अप देखो, मेरा लेवल अप देखो, मैं ऑलमोस्ट 7 का होने वाला होता हूँ। मैं एक ड्रैगन पल्स मारता हूँ एंड ये इंस्टेंटली मेल्ट हो जाता है और उतनी देर मेरा ड्रैगन टेल भी आ चुका होता है और मैं जान नहीं वाला होता हूँ कि मुझे दिख जाता है अपना छोटू सा सिंड्रेस जो कि सिंड्रेस नहीं बना होता है एंड ड्रैगन टेल गाइस क्या ही खतरनाक है एंड बैम खत्म गाइस का डैमेज हुआ है। और यहाँ पर हम फटाफट से गोल करेंगे एंड बॉटम लेन पे जाएंगे क्योंकि अब बहुत हो गया बॉटम लेन पे, ये लोग काफी ज्यादा डोमिनेट कर लिया। अब हमें बॉटम लेन पे जाकर थोड़ा बहुत डोमिनेशन दिखाना पड़ेगा। बॉटम लेन पे आते ही मैं थोड़ा सा मैप रोटेशन करता हूँ और देखो गाइस क्या लेन पे डोमिनेट कर रहे हैं ये लोग। बस ज्यादा देर तक नहीं अब आ चुका हूँ मैं यहाँ पर डोमिनेट करने के लिए बट आते ही मेरा 1v3 हो जाता है। तो मेरा सपोर्ट के लिए पीछे से किंग गार्ड एंड आई हैव टैलेंट फ्रेम तो यहाँ पर इनको अब जो मारेंगे हम लोग गाइस ये लोग सारे ऑलमोस्ट भाग चुके हैं क्योंकि अब मैं जो आ चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है इनको तो ये काफ़ी ज़्यादा पैक ले चुके हैं एंड उतनी देर में आ चुका होता ट्रेडनो। अब हमें ट्रेडनो लेना है एंड ट्रेडनो सिक्योर करना है एंड पता है गाइस मैं ट्रेडनो के टाइम पे सोचता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 80% तो हो चुका हूँ लेवल 9 पे, लाइक होने ही वाला होता हूँ। मैं सोचता हूँ क्यों ना एक बफ लेके लेवल 9 हो जाता हूँ बट अब मैं जो स्टार्ट कर चुका हूँ ना तो फिर इधर टाइम नहीं बचता है लेने का। ठीक है तो वो लोग आती थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट करने के लिए और जैसे ही मैं ले लेता हूँ ये लोग पूरा लूज हो जाते लाइक अब मेरे को नहीं जाना मैं तो मर गई ऑलरेडी, मेरे को पता है मैं मरने वाला हूँ अब मैं क्यों ही। तो यहाँ पर हुपा भी रहता है, हुपा भी यहाँ पर मरने ही वाला होता है कि यहाँ पर वो बेस तक घुस जाता है बट यहाँ पर हम लोग किसी तरह अंदर घुस के इसको ही फिनिश कर देते हैं। दैट्स द पावर ऑफ डोनाल्डन गाइस, यहाँ पर पूरा लेन डोमिनेट हो चुका है। जैसे ही मैं लेन रोटेशन करता हूँ यहाँ पर ऊपर पे फिर से लेन डोमिनेशन होने लगा क्योंकि ऊपर एनिमी का डोनाल्डन पहुंच चुका है क्योंकि डोनाल्डन गाइस इतना ज्यादा पावरफुल है ना जहाँ जा रहा है उधर ही डोमिनेशन हो रहा है चाहे मैं हूँ या फिर एनिमी का डोनाल्डन। सो वी थॉट कि लेट्स गो टू टॉप एंड अब उसको जो मारना है क्योंकि अब मैं लेवल 10 का हो चुका हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होता है, कुछ यहाँ पर 3 जन और आ चुके होते हैं तो हम लोग इंस्टेंट यहाँ पर अटैक लेते हैं। मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो होता है, एनिमी का डोनाल्डन भी यहाँ पर यूज़ करता है अपना यूनाइट बट मैं ख़त्म हो जाता हूँ क्योंकि एनिमी के पास था फोकस बैंड नहीं था उस पर था शायद बड़ी बैरियर था इसलिए वो बच जाता है एंड ही मैनेज टू किल बोथ ऑफ अस।
इसीलिए गाइस मैं बाद में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर फोकस बैंड से यहाँ पर तुम्हारा बॉडी बैरियर पे, क्योंकि तुम्हारा फोकस बैंड जितना हील लेता है ना, लाइक 400 टू 500 हील लेता है, और डुराडोन का डैमेज उससे काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मेरा देख सकते हो नीचे कि मेरा फोकस बैंड प्रॉप होके ख़त्म भी हो गया इंस्टेंट। तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि लाइक फोकस बैंड प्रॉप भी हुआ था और मैं बच भी गया था, इंस्टेंटली प्रॉप हुआ, इंस्टेंटली ख़त्म हो गया, क्योंकि अब बॉटम लेन काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाता है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ, बट यहाँ पर एनिमी के दो जन आ चुके होते हैं, यहाँ पर एप्सोल एंड यहाँ पर आ चुका होता है एनिमी का एल्डेगॉस, बट इतनी देर में इसका हेल्थ देखो ख़त्म, इंस्टेंट ख़त्म। यहाँ पर आई डोंट नो ये क्यों ओवर एक्सटेंड करता है, बट ये भी आता है ट्राई करने के लिए कि चलो मार सकता हूँ, बट मुझे इंजेक्ट फोर्स करना पड़ता है वरना क्या पता मैं ही मर जाता। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका जो एबिलिटी है, चार्ज्ड अप एबिलिटी है इसका, काफ़ी ज़्यादा हील देता है इसको, काफ़ी ज़्यादा सस्टेन देता है इसको। एंड गाइस तुम देख सकते हो ऊपर पूरा डोमिनेट हो चुका है, क्योंकि एनिमी का डुराडोन वहाँ पर 3 केओस ट्रिक निकाल चुका है तीनों को मार के। लोग लेने के बाद आ चुका होता मैं नीचे, क्योंकि ट्रेन आ चुका होता है उतनी देर में। इस तरफ लेजिट कोई भी नहीं था, तो मैं यहाँ पर ड्रैगन पल्स मार के एक बार चेक करता हूँ कि कोई है कि नहीं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जैसे ही मैं चेक करता हूँ उतनी देर में इनके दो सपोर्टर फिर से आ जाते हैं, एंड आई डोंट नो ये लोग बार बार क्यों आ जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं मिस कर देता हूँ। और यह लोग यहाँ पर जैसे ही मुझे गैंग बैंग करने लगते थे, मैं यूनाइट मारता हूँ लेकिन कैंसिल हो जाता, बट चलो एक चीज़ अच्छा हुआ कि मैं यूनाइट मेरा बच गया, एंड इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, एंड मैं ड्रैगन टेल से बैम ये भी खत्म। इधर से बैक लेने के बाद मेरे पास अगर कुछ होता नहीं है करने के लिए, तो मैं जल्दी से सारी फार्म कर लेता हूँ, कि अब आने वाला होता है अल्टीमेट फाइट जो कि होने वाला है ज़ैप्टॉस, और एनिमी का डुराडोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे चुका होता है हमारे टीममेट्स पे, और मैं सोचता हूँ कि कहाँ है ये, मिल क्यों नहीं रहा है मेरे साथ, आ जाओ भाई फाइट करने के लिए। आई थिंक थोड़ा बहुत डर गया ये डुराडोन एनिमी का, बट जोक्स अपार्ट गाइस मैं जल्दी से यहाँ पर दोनों फार्म ले लेता हूँ, क्योंकि अब ऊपर पे 3 बंदे पुश कर रहे हैं तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं सिंड्रेस को कैच करता हूँ, एंड डैमेज देखो गाइस क्या डैमेज था, यहाँ पर सिंड्रेस खत्म होता है, बट इतनी देर में मेरा एचपी देखो, आई थिंक इसका पायरोबॉल मुझे लग गया था। और यहाँ पर एनिमी का डुराडोन यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको मैं मदद कर दूँ, बट एनिमी का डुराडोन ज़ैप्टॉस से पहले और एक यूनिट मार देता है। चलो एक चीज़ तो अच्छा है, इसने भले ही मुझे मार दिया लेकिन ये खुद भी नहीं बच पाएगा, अब सिंड्रेस ने इसको फिनिश कर दिया होता है। अब इसके पास ज़ैप्टॉस पे नहीं रहेगा यूनिट, मेरे पास यूनिट है, और जो कि हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज वाली बात है। ओ नो एल्ड्रेगॉस गोल्ड कर रही है, रोक दे, नो, बच गया है किसी तरह। आई थिंक हुपा के हाइपर होल से वापस चले जाएगी ये, और या ये वापस चली गई, एंड शायद सिंड्रेस नहीं मार पाएगा उसको, बट यहाँ पर हम लोग कोशिश करते कि इस सिंड्रेस को क्या पता हम कैच कर ले, और फाइनली हमारे सिंड्रेस ने इसको फिनिश कर दिया होता है। एंड अब बस बहुत कम टाइम बचा है ज़ैप्टॉस के लिए, एंड इट्स ज़ैप्टॉस टाइम गाइस, हमारे सिंड्रेस ने वहाँ पर ले चुका होता है ड्रेडनो। अब मैं वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूँ, बस तुम देखते जाओ फाइट, क्या मज़ा आता है। एक एजेक्ट वाले मूव ने पूरा गेम चेंज कर दिया, एंड बैम सरेंडर गाइस, दे आर रियली गुड टीम गाइस, आई रियली अप्रिशिएट कि इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, ज़्यादा कॉन्टेस्ट नहीं किया इन लोगों ने, एंड इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। और तुम बताओ गाइस तुम्हें ये गेम प्ले कैसा लगा, एंड इस गेम में हम फ्रिकिंग 110K डैमेज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आई रियली अप्रिशिएट एनिम का डुराडोन काफ़ी अच्छा खेला, एनिम का टीम काफ़ी अच्छा खेला, बट इट्स जीजी एट द एंड। अगर तुम्हें मेरा वॉइस ओवर एंड गेम प्ले पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, आई नो मुझे लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए, बट मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, पीस आउट।